ओके, लेट अस सी मेथड टू ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, इस मेथड में क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप तो सेम ही है मेरा कि मैं एक न्यूट्रल कंडक्टर को लेता हूँ जिसका नाम मैंने ए दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आया, उसकी वजह से क्या होगा, सेम इधर इलेक्ट्रॉन्स का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, इधर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ओके, अब मुझे क्या करना है, जो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है ना, इसको कंप्लीट करना है, यानी कि मैं चाहता हूं कि ये बॉडी जो है यूनिफॉर्मली नेगेटिवली चार्ज हो। ओके, तो मेरे को इसको जो यहां पे डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन्स की, इसको पूरा करना पड़ेगा। इसके लिए सेकेंड मेथड में मैं इसको ग्राउंड कर देता हूं या अर्थिंग कर देता हूं। अर्थिंग करने का मतलब है मैं इसको अर्थ के साथ कॉन्टैक्ट में ले आता हूं। अब अर्थ का पोटेंशियल होता है हमेशा 0 वोल्ट, और क्योंकि यहां पे पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव चार्ज था तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल था, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, ऐसे कुछ। तो ये लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है। अब मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमेशा लोअर से हायर पोटेंशियल पे फ्लो होंगे। अब जितनी जितनी यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी इलेक्ट्रॉन्स की, उतनी उतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे और यहाँ पे न्यूट्रैलिटी हो जाएगी, यहाँ न्यूट्रल कर देंगे इसको पोर्शन को जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था। नेक्स्ट स्टेप में इसको रिमूव कर दूंगा, इसको भी रिमूव कर दूंगा, तो मेरे पास जो मेरा कंडक्टर है वो यूनिफॉर्मली चार्ज हो जाएगा, सारा चार्ज स्प्रेड हो जाएगा। अगर मैं फिर से उसको रॉड को लेके आऊंगा, सॉरी, तो ये सारे चार्जेस यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ओके, तो इस मेथड के द्वारा मैं एक कंडक्टर को कंप्लीटली नेगेटिवली चार्ज कर सकता हूँ, पॉजिटिवली चार्ज भी कर सकता हूँ, ये इंपॉर्टेंट नोट है। पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए क्या करना होगा, बस एक चेंज, छोटा सा, इस रॉड की जगह, इस पॉजिटिव रॉड की जगह एक नेगेटिव रॉड ले आओ, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ओके, थैंक यू।